ग्वालियर पुलिस ने एक सार्थक पहल शुरू की है जिसमें स्कूली बच्चों को पुलिस की कार्यप्रणाली समझाई गई। इसी के साथ ग्वालियर के पड़ाव थाने में स्कूली बच्चों को विजिट कराई गई। इस दौरान एडिशनल एसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे और बच्चों से चर्चा कर पुलिस के काम करने का तरीका बताया। इसके साथ ही बच्चों को ट्रैफिक रूल, गुड टच, बैड टच, अन्य कानूनों की जानकारी भी दी गई। इस दौरान बच्चों से भी पुलिस के कार्य करने के तरीके से जुड़े सवाल पूछे गए। पुलिस स्टेशन में क्या क्या होता है? सबसे पहले कोई क्राइम हो तो हमें किसके पास जाना चाहिए, किसे रिपोर्ट करनी चाहिए, और हमें सीएससी सर का ऑफिस, डीएसपी सर का एंड आईपीएस मैम का ऑफिस दिखाया गया है। हम लोग यहाँ पे देखने आए हैं कि यहाँ पे कैसी फैसिलिटीज़ होती हैं, क्या होता है, पूरा जानना है कि यहाँ पे कितने हम लोग को, जिससे हम लोग जान सके कि हम लोगों को यहाँ पे आना है, किस रीज़न से आना है, क्यों आना है। ये हमारे बीच में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय मेघाती मैडम का आदेश हुआ था कि यहाँ पर थाना पड़ाव के आसपास के जितने स्कूल हों वहाँ पे स्कूली बच्चों को बुलाकर उनको गुड टच, बैड टच, ड्यूटीजिंग्स, ट्रैफिक के बारे में और भी इत्यादि के बारे में, इसके अलावा और यहाँ के पुलिस थाने का